वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जहात है, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है बिग इंडिया गेटिंग ह्यूज डिस्काउंट ऑफर फ्रॉम रशियन ऑयल फर्म। मतलब कोई बहुत ही बड़ा डिस्काउंट रशियन ऑयल फर्म देने लगा है इंडिया को, और बिल्कुल क्यों ना दे, दोस्त भी एक तो रशिया और कोई बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है। अब कौन सा डिस्काउंट है वो वीडियो देखे, और ये इंडिया को इसने लाजमी यूक्रेन के अंदर इनका सपोर्ट देखा। हाँ, ये बिल्कुल है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं क्या डिस्काउंट होने लगा है। तो पहले वीडियो देखेंगे, ZX News का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ZX News में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर दे दी है रशिया ने। रशिया ने दोस्तों एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब जब मुसीबत भारत के ऊपर आएगी तब तब रशिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार है, और भारत को भी अब रशिया की मदद हर हालात में करनी चाहिए। दोस्तों, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत और रूस के रिश्तों में एक नई मिठास भी पैदा हो सकती है, और दोनों देशों का भला भी हो सकता है अगर ये डील हो जाती है तो। अच्छा। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल के आसपास चल रही हैं, और इस हालातों में रशिया ने भारत की तेल कंपनियों को ऑफर दिया है कि हम आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, दस भी नहीं, बीस भी नहीं, 25% डिस्काउंट दे रहे हैं तेल की कीमतों के अंदर। यानी कि जो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है उससे 25-27% तेल का डिस्काउंट हम आपकी तेल कंपनियों को देने के लिए तैयार हैं। क्यों देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले अब नखरे कर रहे हैं, और नखरे करने की एवज में हम भारत जैसी मार्केट के अंदर तेल सप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो भारत को फेस ऑफ करनी पड़ सकती हैं, और वो सारी डिटेल आज आपको हम बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, दिसंबर का वो महीना हमें याद आता है जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आते हैं, और भारत दौरे पर वो भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और रशिया की रोजनेफ्ट के साथ डील करवाते हैं कि 2 मिलियन टन का जो ऑयल है 2022 के आखिरी तक भारत की मार्केट में पहुंचा दिया जाएगा। और अब ये हालात बने हैं कि रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के कारण अमेरिका यूरोपियन यूनियन वाले तेल खरीदने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, तो रशिया ने यहां पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। रशिया पहले भी ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले देशों को हैवी डिस्काउंट देता था। अच्छा। तभी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले जो देश हैं रशिया से तेल खरीदते थे। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन की जो तेल और गैस की डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर है, क्योंकि रशिया वाले डिस्काउंट भी देते हैं और रशिया का तेल जल्दी पहुंचता है यूरोप की मंडियों के अंदर। और अब वही चीज, वही उससे भी ज्यादा डिस्काउंट रशिया भारत को दे रहा है। लेकिन भारत के सामने प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? दोस्तों, दुनिया के देशों ने रशिया के बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया है। स्विफ्ट सिस्टम से निकालने के बाद हम तेल तो रशिया से खरीद लेंगे, लेकिन तेल की पेमेंट नहीं कर सकेंगे। और इसको लेकर हमारी सरकार रशिया के साथ बातचीत में है, और पहले भी रूपी रूबल का ट्रेड जो हुआ था, और उसको लेकर हमें अब रूपी रूबल ट्रेड के ऊपर फोकस करना होगा अगर ये तेल की पेमेंट करते हैं तो। हालांकि भारत के सामने चुनौतियां एक नहीं है, कई चुनौतियां हैं। हम S-400 भी रशिया से ले रहे हैं, S-400 से डिफेंस की और भी एक पेमेंट हमें करनी है, और दूसरी सिचुएशन में अगर हम तेल भी लेना शुरू कर देंगे तो रूपी रूबल के ट्रेड के ऊपर जो दुनिया के ये ठेकेदार बैठे हैं वेस्टर्न कंट्रीज वाले, वो ये कहेंगे कि रशिया को भारत फंडिंग कर रहा है, रशिया को भारत मदद कर रहा है, भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये वेस्टर्न कंट्रीज के जो ठेकेदार बैठे हैं इन्हें तो हम यही बात कहना चाहेंगे कि इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ये जो ठेकेदार बनकर बैठे हैं, क्योंकि यही वो ठेकेदार थे जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम लड़कियों का एक रेप कर रही थी, मुस्लिम लोगों को मार काट रही थी, तब यही जो ह्यूमन राइट के ठेकेदार हैं इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के ऊपर हमला करने के लिए भेज दिए थे, और उस समय सोवियत यूनियन ही था जिन्होंने भारत की सपोर्ट में आ गया था और इनके एयरक्राफ्ट कैरियरों को वापस मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर भारत के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाएंगे तो सोवियत यूनियन भी जवाब देगा और World War III शुरू हो सकती है। ये हालात थे, और ये जो ठेकेदार बनकर बैठे हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज वाले, इन्हें ये एक हालात इनके मुंह पर तमाचा है कि भारत के
ऊपर ज्यादा तुम चूचड़ा मत करिएगा, क्योंकि भारत ने आपको बहुत झेल रखा है, अब भारत झेलने वाला नहीं है। खैर ये सारी बातें चल रही हैं, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या अब भारत को अपने हित को देखते हुए जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने हित देखा था और बांग्लादेश के मामले में ये चुप रहे थे, भारत के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, उसी तरीके से हमें भी अपना हित देखना चाहिए? और क्या रशिया के साथ ये तेल की डील करनी चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि जो हाल 1971 में ये ठेकेदारों ने किया था वो सिचुएशन रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं चल रही है, लेकिन कितना हो हल्ला मचा रखा है इन ठेकेदारों ने, ये तमाचा है अपने आप के अंदर कि ये जो ठेकेदार आज शोर मचा रहे हैं 1971 के अंदर जब इतना कुछ हो गया था, रेप हुए थे, मर्डर हुए थे, तब आखिरकार ये चुप क्यों? ऐसे के साथ तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार अभी यार वेस्ट जो है ना यार, जो कतर है वो वाला हो गया यार, वो देखा जाए ना, वो अब एक ब्लैक तारीख है, वो वाले दिन टाइम चला गया, उस टाइम होती थी जंगे मंगे, आजकल वो चीज नहीं, बहुत बड़ी बड़ी देखो सीधी सी बात है, उस टाइम कहते हैं दोनों हाथ से दाढ़ी बजती है, तो हर तरफ से जो हुआ वो हो गया, उसको अब नहीं कुछ कर सकते। लेकिन अब पाकिस्तान इतना करीब भी उस टाइम उनके नहीं था यूरोप के जितना आज यूक्रेन उनके करीब है, वो यूरोप का क्योंकि हिस्सा है। देखो उस टाइम अगर उसने किया था उस टाइम भी इंडिया को ना फर्क पड़ा, आज अगर करेगा तो आज भी इंडिया को फर्क, कोई फर्क, और पूरा यूरोप भी मिल जाए ना तो इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल इंडिया के पास इतनी है यार, रशिया की इंडिया हेल्प करे रुपीज रूबल में, ये देखो इंडिया को अगर वो रोकते हैं तो वो कौन होते हैं रोकने, वो कौन होते, सही कहा, इसमें कोई शक की बात नहीं। और देख मुबशिर, रशिया ने इतनी बड़ी ऑफर दे दी, 25-27% ऑयल में कमी, ये कोई छोटी बात है, वो भी डॉलर्स में, वो देख रहे 125 आई थिंक चल रहा है, तो उसके अंदर तू खुद अंदाजा लगा 125 का अभी बैरल ज्यादा हो गया उजाद, अभी 130 का 70, जंग के बीच में 70 का बैरल था, अब 170 130 का हो गया, तो इंडिया को तकरीबन 100 तक बैरल पड़ेगा, तकरीबन इतना 100 तक मिल जाएगा, तो मतलब बहुत बड़े डिस्काउंट एक इंडिया को दे रहा रशिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब रशिया इतना कुछ कर रहा है तो इंडिया क्यों ना सपोर्ट, बिल्कुल करेगा। और इंडिया ने तो ऑलरेडी बोल दिया कि भाई हम रूबल और पैसों में आपसे ट्रेड करेंगे, और इंडिया जिस तरह है सपोर्ट इसको दिखा रहा है, सबको मिर्ची लगी हुई है दुनिया में, इस बात में कोई नहीं है कि भाई सब मतलब कि जल रहे हैं कि भाई इंडिया क्यों इतना सपोर्ट दिखा रहा है। बिल्कुल, और तो इस बात पे वो ज्यादा उन्होंने एक दो सैंक्शन भी लगाए, पहले तो लगाएंगे नहीं क्योंकि उनको इंडिया की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। और मुबशिर कोई नहीं चाहेगा कि हम दुनिया के चौथे या तीसरे सबसे पावरफुल देश से भिड़े, सहर बात है, कौन चाहता मतलब है? वो उन लोगों का अपना नुकसान, इंडिया जैसी मार्केट उनके हाथ से चली जाएगी, और इंडिया जैसे बॉयकॉट करने पे आता है तो वो चाइना का हाल देख ले कैसा बॉयकॉट उनका किया। सो गाइस आप लोगों के इसके बारे में क्या कहना है अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।